खबर गोंडा जिले के करनैलगंज से, जहां के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हत्यारे को जज और पुलिस की मौजूदगी में सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। दरअसल रामलीला मंचन के दौरान फांसी नाटक का भी मंचन होता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से जिलों से लोग दर्शक आते हैं। इसी कड़ी में नाटक का मंचन किया गया। देखिए, आज की जो फांसी हुई है उसमें पूरे ज़िले का, कई ज़िलों के बाद करनैलगंज में ये फांसी होती है, जिसमें जज भी रहते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं, और एक व्यापारी काबुल से आता है, उसके लड़के का कत्ल हो जाता है और उसी पर थाना, कोतवाली जो भी बनता है, ये रामलीला के सारे पात्र रहते हैं, उसका अभिनय होता है, जो फांसी दिखाई जाती है और जल्लाद भी होते हैं, बाकायदा फांसी और डॉक्टर भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। कैसे होती है फांसी? फांसी मैंने बताया कि काबुल से व्यापारी आते हैं, ये अभिनय में है, और उनका लड़का चारों तरफ इस बाज़ार में रहता है, उसकी चोरी हो जाती है और उसका मर्डर हो जाता है, उसके बाद उसको न्याय मिलता है, यहाँ पर पुलिस में जाते हैं, फिर न्यायाधीश जा करके न्याय उसको देते हैं और फांसी की सज़ा सुना करके जो अभियुक्त पकड़ा जाता है उसे फांसी दी जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnewsflash।